नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र भड़तिया मेरे और एक नए ब्लॉग में आपको स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज बड़ी दुख की खबर है क्योंकि हमारे एक नन्हे मेंबर हमें छोड़ के चले गए। दो मेहमान थे, दो मेहमान से आज उनका डेथ हो गया। तो बहुत 1 महीने से हमारे साथ में थे, मगर उसका कुछ इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह से वो डेथ हो गया। तो एक मेहमान हमारा अभी भी है, तो वो दुख की खबर है। क्योंकि जो भी है, 1 महीने तक उनको देखभाल हम लोग कर रहे थे, तो ज्यादा ज्यादा विधि की हमारा बहुत पसंदीदा था, तो ज्यादा ऑप्शन हमारा विधि है। क्योंकि बहुत दुख भी लगता है, क्योंकि 1 महीना तक हम लोग भी उसको देखभाल कर रहे थे, तो एक इन्फेक्शन भी जुड़ जाता था। तो अभी आज डेथ हो गया तो वो अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये बेचारे अकेले पड़ गए हैं। इनके लिए भी और एक जोड़ीदार लाएंगे, तो विधि तो ऑप्शन में वो लाने के लिए मना ही कर रही है, क्योंकि ये हम लोग सेकेंड टाइम में फीस लाना, पहला एक ग्रुप कम तीन कर तीन देना बार लाए लास्ट थे। टाइम, मुझे लास्ट टाइम। तो विधि इतना अपसेट है कि उसको और फीस लाने के लिए मना कर रही है, क्योंकि इतना देखभाल करने के बाद भी उनका डेथ हो जाता है। किस कारण पे होता है वो भी हमें समझ में नहीं आ इन्फेक्शन रहा है, इन्फेक्शन हो जाता है बोल रहे हैं। तो अगर इतना देखभाल कर रहे हैं, पानी भी अभी उसका भी वाटर भी हम लोग चेंज कर रहे हैं हर 2 दिन में, जैसे उसका इंस्ट्रक्शन हमें मिला था कि हमें हर 1-2 दिन में तो चेंज करना पड़ता है। उसको फीस एक्वेरियम वाला भी बोला था, तो वही हिसाब से हम इंस्ट्रक्शन भी फॉलोअप कर रहे थे, मगर इन्वायरमेंट भी रहता है तो इसमें ऑक्सीजन की कमी रहता है दोस्तों। क्योंकि ये जैसे बॉक्स में जैसे ऑक्सीजन वाला मशीन रहता है, वो नहीं है इसमें। तो पानी में भी थोड़ा चेंज होता है, तो पानी में भी हमारा केमिकल्स वगैरह कुछ आता होगा, इसके लिए वो सूट नहीं कर रहा होगा। तो दोस्तों, उसका फीस की डेथ की खबर उनको मम्मी को सुना रही है, क्योंकि इतना पेशेंस भी नहीं है, इतना दुख लगा कि उसको मम्मी को वो फीस का डेथ हो गया, बल्कि उनको मम्मी को फोन करके बोल रही है। तो ये बेचारा अकेला पड़ गया है। तो ठीक है दोस्तों, अब ये तो जिंदगी में चलता ही रहता है। एक हुआ तो और एक उसका जोड़ीदार ले आते हैं, तो वैसा हो जाए। तो मम्मी विधि भी मना कर रही है कि लाने के लिए। आनी वानी तो ये लोग बोल रहे कि और फीस नहीं लाना है, तो क्योंकि डेथ हो जाता तो बहुत दुख लगता है, तो इसलिए वो मना कर रहे हैं कि नहीं लाना है। तो विधि का इंस्ट्रक्शन है कि फीस नहीं लाना है, तो आज से नहीं लाएंगे। तो देखिए दोस्तों, दोनों बहनों के कैसे झगड़ा। हाँ, छोटी तो बहुत शैतान है, कुछ काम ही नहीं करती है, बड़ी बहन को ही। देखिए देखिए दोस्तों, ये हमारा बिल्डिंग की टेरेस की ऊपर की दृश्य है। विधि कुछ कर रही है, अपना ढूंढ रही है सामान। ये हमारा मेन रोड है, ये रही हमारा पार्किंग एरिया। देखिए दोस्तों, मेरा कार कैसे धूप में है, कवर लगा हुआ है मगर धूप में रहता है। तो ऐसा वाला मैं पार्किंग मेरा सेट करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, मगर जगह की कमी की वजह से नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पे ऑलरेडी उस जगह पे एक जगह खाली है, मगर वो हमारा जो ट्रांसफार्मर है इलेक्ट्रिक वाला, वहाँ पे सेफ्टी नहीं है गाड़ी के लिए, इसलिए बनाना वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। बनाएंगे तो भी सेफ्टी नहीं है गाड़ी के लिए, कभी भी कुछ पार्क हो सकता है। तो दोस्तों, ये ऐसा दृश्य है हमारा टेरिस के ऊपर का। देखिए दोस्तों, इस तरफ का दृश्य कितना शांत एंड सुकून लगता है। यहाँ पे बिल्डिंग में पास में ही ग्रीनरी एरिया है, पूरा खेत खलियान बहुत बढ़िया, और इतना फ्रेश एयर आता है ना दोस्तों, ये सिटी में नहीं मिलेगा, क्योंकि सिटी से दूर है। और इतना फ्रेश एरिया, इतना खुल्लम खुला एरिया, पास में ही इतना ग्रीनरी एंड खेत है, तो बहुत ताजगी वाला हवा आता है। तो ये ऐसा हमारा टेरिस के ऊपर का दृश्य है दोस्तों। ये देखिए,
इस तरफ दोस्तों गोपालवाड़ी है, वो डाउंड इस तरफ आता है, ये जो बिल्डिंग्स वगैरह दिखता है वो गोपालवाड़ी में आता है। तो ये दोस्तों देखिए न्यूली ये सब डेवलप हो रहा है, एक बिल्डिंग पहले नहीं था, अभी जस्ट 4-5 महीना हुआ अभी ओपन हुआ है। तो वहाँ पे भी कुछ कंस्ट्रक्शन काम चालू है, वो जो ना कोकोनट का ट्री जो दिखता है वहाँ पे भी अभी कुछ दिन के बाद कुछ बन जाएगा। पहले दोस्तों हम लोग वो बिल्डिंग में रहते हैं, वो बिल्डिंग का नाम था उषा हेरिटेज, और जो कर्टन लगा हुआ है जो बिल्डिंग है वो मेरा फ्लैट था। तो अभी 1 साल हुआ है उषा हेरिटेज में, उषा हेरिटेज छोड़ के हम लोग शांतिदास में आ गए हैं। तो वो वाला हमारा पुराना बिल्डिंग था, वो भी अच्छा ही बिल्डिंग है, मगर थोड़ा स्पेशियस के लिए ये बिल्डिंग को चुने। विधि आज डम्बल ट्राई कर रही है, कहीं ट्राई करो बेटा। हाँ कैसा, कितना तक उठा पा रही है? हाँ जल्दी, 10 तक करना है आपको। हाँ, ऊपर तक उठाओ। विधि कोशिश कर रही है डंबल उठाना, मगर दो हाथ नहीं होना चाहिए, एक हाथ में उठा दिया। अब देखते हैं दोस्तों, मैं थोड़ा ट्राई करता हूँ कैसे होता है वो। बहुत हल्का है। ये बच्चे लोग का है क्या? ठीक है जी। एमटी तो उठे के देखा एमटी करी की हाँ? नहीं ए गट्टे फिंगर्स तो नहीं, वो तो ये है, और कंटिन्यू करने के बाद थोड़ा सा पेन होता है मसल्स पर, इसीलिए तो रखते हैं ये एक साथ में, कम से कम 10 होना चाहिए। चलेंगे दोस्तों, अभी धूप भी ज़्यादा हो गया है, अब घर पे चलते हैं। बाहर का फ्रेश एयर तो ले लिए हैं, अभी थोड़ा घर पे जाके थोड़ा सा मार्केट को शाम को जाएंगे बेटा। यहाँ पे दोस्तों विधि कुछ अपना खुरापाती कर रही है, क्या कर रही है बेटा? देखिए वो बॉर्नविटा अपना खुद बना रही है, कितना दूर नीचे गिराए है। आज मम्मी नहीं है तो उसका मस्ती चालू है, इतना दूध लेने के लिए कितना नीचे गिराए है, मम्मी आएगी तो डांटेगी बेटा। साफ करो उसको। देखिए दोस्तों मेरी बड़ी लड़की अभिषेक की हाथ की बनी हुई कॉफ़ी, वो टेस्ट बनती है दोस्तों कॉफ़ी, ट्राई करके देखते हैं कैसा है, बहुत बढ़िया रहता है दोस्तों। मैं कितने बार भी उसका कॉफ़ी ट्राई किया है, बहुत बढ़िया है। एक्चुअली मेरे कजन सिस्टर मिली पुणे में काम करते हैं, तो एक बार मेरे पास में आई थी, वो तो उनको सिखा दिए कि कैसे अच्छा कॉफ़ी बनाते हैं, तो उससे वो अच्छी तरह से सीख गई है, तो बहुत बढ़िया कॉफ़ी बनता है। तो कभी भी उसको मैं बोलता हूँ तो चाय कम कॉफ़ी बनाने के लिए ज़्यादा चालू है दोनों बहन का। अभी सर के चालू है पढ़ाई, पढ़ाई चालू है ना, मस्ती चालू है। मस्ती इसमें क्या है बेटा? बॉर्नविटा। तुम्हारे यहाँ पे क्या कॉफ़ी? तुम्हारा लाइट क्यों दिखता है, उनके डार्क क्यों दिखता है? वो एक्स्ट्रा बॉर्नविटा डाली है क्या? हाँ ना, आपका भी कॉफ़ी है, सच बोलो। टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप बोलो उसका। कॉफी अच्छी, कॉफी छोटी से तक क्या बोल रहे? कॉफी टेस्ट कर लो, कॉफी। तो क्या है देखते हैं, थोड़ा सा कॉफी का ट्राई ही कर लेते हैं, क्योंकि इधर छोटे बच्चे लोग कॉफी पीना अच्छे नहीं है। बॉर्नविटा है, इधर लाइट क्यों ले रहे हैं, थोड़ा स्ट्रांग लेना चाहिए। बॉर्नविटा ज्यादा नहीं डालना, उसको ज्यादा डालना है। मिस विधि को बॉर्नविटा ज़्यादा स्ट्रांग चाहिए। हाँ देखिए मिस विधि की अपना वो खुद बनाई है बॉर्नविटा, कितना स्ट्रांग बनाई है। हाँ और उसका बड़ी बुलेट की अभी से लाइट है, तो ये पीने के लिए अच्छा लगता है, क्योंकि थोड़ा लाइट रहता है और अच्छा भी लगता है। ये थोड़ा स्ट्रांग होकर कड़वा कड़वा लगता है, ज़्यादा मीठा लगता है मुझे तो, कड़वा लगता है ज़्यादा ये करेंगे तो। मुझे ये वाला मुझे सही लगा, ये वाला, और ये तो कड़वा कड़वा गर्ल, नॉटी गर्ल। ए देख क्या कर दिए, अभी पिटाई होगी। देख कैसे शैतान है, कुछ ना कुछ तो खुराफाती करती रहती है। मम्मी तो दूसरी बम। तो हो गई अभी बड़ी दीदी का काम तमाम,
ऐसे ही होता रहता है पीट, इसके लिए तो मम्मी से पिटाई होता है उससे। तो उसका राइटिंग होता तो क्या होता था वहाँ पे? दीदी मोरे पर पानी पके जो बुकड़े देखे। अच्छा देखो, हाँ देखा ना, बहुत दिन आगे कर दिला। तो दोस्तों ऐसे चालू रहता है दोनों बस लड़कियों की शैतानी। तो दोस्तों बहुत टाइम से मैं यहाँ पे बैठा हूँ, टीवी देख रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे नोटिस कर रहा हूँ दोनों लड़कियाँ कुछ उसका मस्ती चालू है। तो क्या पढ़ाई कर रहे हैं आपको मैं दिखाता हूँ, इतना चिदम चिली चालू है ना, देखिए क्या चालू है दोनों का, दोनों का क्या चालू है? It is of no use. क्या चालू है आप लोग का? हाँ पढ़ाई कम, हाँ आवाज ज्यादा है। दीदी मैंने पता कि मैं कि तू रंग कर लो आंसर। अभी रूठ गई, कुछ ना बोला तो उसका रूठना चालू हो गया है, उसके साथ भी जाके अंदर भी कुछ हुए। अब ये चालू हो गया दोनों का, अब ये रूठ के वहां पे चले गए। जीवा तो दोस्तों हम लोग आए हैं थोड़ा वेजिटेबल्स लेने के लिए सब्जी मार्केट, ये हमारा डॉन की वेजिटेबल मार्केट है। तो आगे आगे चल रहे हैं मिस ज्योति वाड़त्या। तो ऐसा है हमारा वेजिटेबल मार्केट, ये ओनली शाम को ही खुलता है दोस्तों, क्योंकि सुबह नहीं होता है दिन भर, रात को शाम को 5 बजे के बाद ये ओपन होता है। ये यहाँ पे आने के बाद क्या फ्रेश वेजिटेबल्स मिल जाता है। ये देखिए दोस्तों ये दुकान थोड़ा वैरायटीज वगैरह अच्छा है वेजिटेबल्स की, यहाँ पे ऑनियन पोटैटो देखते हैं पहले अच्छा कहाँ पे मिलता है, इसके बाद ले लेते हैं। 15 रुपया यहाँ से थोड़ा टमाटर ले लेते हैं तो अच्छा दिखता है कलरफुल हो के। 2 किलो दे दीजिए, 3 किलो ठीक है। कौन फ्लावर कैसा है? फ्लावर कौन देखो महंगा थोड़ी है, नींबू कितने का है या भिंडी पूछते हैं ना कितना है। तो दोस्तों लगभग तो सब्जी मार्केटिंग तो हो गया है, थोड़ा आगे जाते हैं कुछ दूसरा कुछ सामान मिलेगा तो देखेंगे। ग्रेप्स जरूरत था, विधि बोली थी कि ग्रेप्स लेके आइए, तो ग्रेप्स देख रहे हैं तो आगे अच्छा मिलेगा ग्रेप्स। भाई मटकी कैसा है पाव सर? 25 रुपये। पालक दो दे दीजिए, पालक और कोथिंबीर कैसे? 5 रुपये। दोस्तों तो आज दिन भर की काम जो पेंडिंग था वो भी हो गया। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, मिलेंगे और एक नया ब्लॉग पर, तब तक आपका ख्याल रखिए। नमस्कार, जय जगन्नाथ।